ठीक है, हर उस टाइम मैं डॉक्टर रंजन पाटिल और मैं कॉलेज पास हूँ एसोसिएट प्रोफेसर। आज मैं आप लोगों को BSc पार्ट सेकेंड के बायोटेक्नोलॉजी पार्ट के कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, जिसमें आज मैं हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिट के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं PVR 3.2। इसका जो फुल फॉर्म है प्री-रिकॉग्निटिव ट्रांसमिट है, ये प्लाज्मिट होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। हम लोग जानते हैं कि आजकल इंडस्ट्रियल दौर है और मेडिकल साइंस भी काफ़ी एडवांस हो गया है। आज के दौर में मेडिकल साइंस में या साइंस में जीन की मल्टीपल कॉपी बनाई जा सकती है। जीन हम लोग जानते हैं, जीन क्या है, DNA का वो पार्ट है जो एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। आजकल के साइंस में किसी जीन की मल्टीपल कॉपी बनाई जा सकती है, इस प्रोसेस को हम लोग जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। ठीक है, जीन के जो मल्टीपल कॉपी है इसका फिर बाद में यूज़ किया जाता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में, बीमारियों के डायग्नोसिस में या फॉरेंसिक लैब में। ठीक है, किसी चीज़ के क्रिमिनल के या किसी भी चीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए फॉरेंसिक लैब में भी यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है, खास करके जो इंडोमैग्नेटाइन से जैसे डायबिटीज़ वगैरह हैं उनके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है, हार्मोन के फॉर्मेशन, इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए। फिर इंडस्ट्री में भी इसका इंडस्ट्री यूज नहीं होती, एक इंडस्ट्री यूज़ भी है इसका। ये जो मल्टीपल कॉपी के जरिए इतने यूज़ किया जाता है, इस पहला जो प्रोसेस है मल्टीपल कॉपी बनाना, मल्टीपल कॉपी जो है वो बनाने की क्रिया दो तरह से होती है। एक तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको हम PCR कहते हैं, और दूसरा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आज PCR में पढ़ सकते हैं हम लोग थोड़ा सा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया जाता है। यानी रिकॉम्बिनेंट DNA ऐसा DNA होता है जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज के जो DNA हैं या जीन्स हैं वो एक साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं, और जो कंप्लीट DNA बनता है वो उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA कहते हैं। ठीक है, इस रिकॉम्बिनेंट DNA में जो डिफरेंट स्पीशीज के DNA होंगे, तो पहला जो DNA सपोज कर लिया कि जो डिजायर्ड DNA है किसी भी एनिमल का DNA हो या ह्यूमन हो, ठीक है, जीन हो, ठीक है, उस जीन का जिसकी हमको मल्टीपल कॉपी बनानी है वो हमारा क्या है, DNA और चॉइस है या डिजायर्ड DNA। ठीक है, इसको हम लोग किसी दूसरे DNA के साथ जोड़ते हैं जिसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। वेक्टर के साथ इस डिजायर्ड DNA को जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट DNA का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये जो वेक्टर का क्या क्राइटेरिया है, कि मेरा वेक्टर का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कि ये क्या करना चाहिए, ये शो करे रैपिड मल्टीप्लीकेशन। क्या शो करे, रैपिड मल्टीप्लीकेशन शो करे, और साथ साथ कॉलोनी में आइडेंटिफाई नहीं किया जाए, या इसमें कुछ क्या होना चाहिए, इसकी कैरी से मार कर दी, क्या करना चाहिए, मार्कर जीन कैरी करे। मार्कर जीन का मतलब हुआ, मार्कर का मतलब जिसके जरिए किसी चीज़ को पहचाना जाए उसको हम लोग मार्कर जीन कहते हैं। एक मार्कर DNA या मार्कर जीन कैरी करे या मार्कर कैरी करे, ठीक है, जीन भी कैरी करे, और दूसरी चीज़ क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन जो है पास करे, जिसकी वजह से इसका जो रीज़न है कि ये जो डिजायर्ड DNA है इसकी क्विक समय में, कम समय में, मतलब कि ज़्यादा कम समय में ज़्यादा कॉपी बनाई जा सके, क्या की जा सके, ज़्यादा कॉपी बनाई जा सके। इसीलिए इस डिजायर्ड DNA को ऐसे DNA
के साथ जोड़ा जाता है जो कि तेजी से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, ये वेक्टर का पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये क्या हो, रैपिड मल्टीप्लीकेशन शो करे और साथ साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहचाना जा सके कि ये तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ताकि बाद में इस डीएनए को आइसोलेट भी किया जा सके या फिर इसका एक्सप्रेशन करा करके प्रोटीन बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके? प्रोटीन बनाया जा सके। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन। ये प्रोटीन का क्वेश्चन होगी, जैसे कोई हार्मोन है इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन का सिक्रेशन हो गया, इंसुलिन का फॉर्मेशन हो, जितना ज़्यादा डीएनए की कॉपी रहेगी उतना ज़्यादा इंसुलिन की कॉपी या उनसे ज़्यादा मॉलिक्यूल इंसुलिन का बन सकेगा, तब बहुत कम समय में रैपिडली बन सकेगा। क्या हो सकेगा? ये क्या हो सकेगा? रैपिडली बन सकेगा। तो जो ट्रीटमेंट में ज़्यादा काम आएगा, ज़्यादा सस्ती हो जाएगी दवा, ज़्यादा अवेलेबल होगी तो सस्ती हो जाएगी और सब तरह के वर्ग के गरीब को अमीर को सबको वो दवा मिल सकेगी। उसकी ये इंडस्ट्री की हो गई, ट्रीटमेंट भी हो गया, ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी क्या करता है, इसको यूज़ करता है। ठीक है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसमें चलिए का क्या हो गया कि सपोज कर लो कि ये डिजायर्ड डीएनए है और ये अपना वेक्टर, इन दोनों ये डिजायर्ड डीएनए है, सपोज कर लो ये डिजायर्ड डीएनए है, सपोज कर लो, ठीक है, ये वेक्टर है, इन दोनों को मिला करके जो डीएनए बनेगा, डीएनए बनेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग वेक्टर कहेंगे, उसी को हमने डीएनए कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दोनों डीएनए है, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये हमारा जो है डिजायर्ड डीएनए है, क्या है, डिजायर्ड डीएनए है और ये हमारा क्या है, वेक्टर, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा तो ये क्या करेगा, दिस विल रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेगा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, फिर रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेगा तो मल्टीपल कॉपी बनेगी, मल्टीपल कॉपी बनेगी लार्ज कॉपी से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया तो ज्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें जो ये वेक्टर होते हैं, कौन कौन से वेक्टर यूज किए जा सकते हैं, प्लाज्मिड यूज किए जा सकते हैं, क्या किए जा सकते हैं, प्लाज्मिड यूज किए जा सकते हैं, बैक्टीरियोफेज यूज किए जा सकते हैं, बैक्टीरियोफेज का डीएनए यूज किया जा सकता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज उसको कहते हैं, वायरस है जो कि बैक्टीरिया के वायरस होते हैं, जैसे इकोलाई का वायरस है, लैम्डा डीएनए है, ठीक है, यह लैम्डा वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज होते हैं, उसी तरीके से सिंथेटिक होते हैं, प्लाज्मिड और फेजमिड होते हैं, शटर डीएनए भी होते हैं और भी होते हैं। हम लोग यहाँ पर देख कर देख सकते हैं कि प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, प्लाज्मिड हो गया, फेजमिड हो गया। आज हम लोग थोड़ा सा प्लाज्मिड में पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, पीवीआर 322। पीवीआर 322 क्या है, पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, बी स्टैंड फॉर बॉलीवर, आर स्टैंड फॉर रॉड्रिक्स। ये बॉलीवर एंड रॉड्रिक्स ने इस प्लाज्मिड का फॉर्मेशन किया था, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, ये एक सिंथेटिक प्लाज्मिड है जिसमें 4363 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, यानी कि ये 4363 न्यूक्लियोटाइड लंबा एक वेक्टर होता है, प्लाज्मिड डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो सर्कुलर होता है, कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और इस डीएनए के अंदर दो मार्कर होते हैं, क्या होते हैं, मार्कर होते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंस पैदा करने वाले जीन होते हैं, ये
एक तो जीन जो है मार्कर वो टेट आर यानी कि ये टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंस पैदा करता है और दूसरा एम्फीसिलीन से रेसिस्टेंस पैदा करता है जिसको हम लोग एम्फीआर कहते हैं, एम्फीसिलीन रेसिस्टेंट जीन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखा है हम लोगों ने क्या, आगे हम लोग आप पढ़ लेंगे इसमें कि ये जो प्लाज्मिड है इसमें ये जो मार्कर पोर्शन है इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए रिकॉग्निशन सेक्शन होता है। रिकॉग्निशन सेक्शन का मतलब हुआ जहाँ पर से वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज उस डीएनए को काट सके। तो यहाँ पर इस एंटीसीडी में एपीडीयू और पीएसटी दोनों नाम दोनों ही प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस पाए जाते हैं, यानी कि ये भी और ये भी इस एंटीसीडी रेजिस्टेंस जीन को काट सकते हैं। जब काटेंगे तभी ये जुड़ेगा, काटेंगे इसको तभी ये क्या होगा, पहले ये है ये पहले कटेगा तब इसमें जाके ये जुड़ेगा। जोड़ने के लिए काटना ज़रूरी होता है, जिसमें ये पीपीयू या पीएसटी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज पाए जाते हैं जो कि एनपीआर के जीन को काटते हैं, ठीक है। उसी तरीके से टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन को काटने के लिए एंडोन्यूक्लिएज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, हिट्री होते हैं, बैन न्यूक्लन होते हैं, सैल वन होते हैं, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हैं जो काटते हैं। अगर हमको जो डिजायर्ड डीएनए है उसको इसमें जोड़ना है तो इन तीनों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज में से कोई एक यूज किया जाएगा। अगर हम किस डिजायर्ड डीएनए को किस पोर्शन में जोड़ना है तो हमको किस एंजाइम को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इनमें से कोई एंजाइम यूज करेंगे या फिर दोनों पोर्शन से काटना है तो दोनों में से कोई दोनों में इन सब में से कोई दो एंजाइम यूज करेंगे इसके लिए, इसके लिए, ठीक है। और इसमें एक क्या होता है पोर्शन होता है जिसको हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में आपको पता होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं पोर्शनल होता है, इक्वलाइज ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ इसके बारे में प्लाज्मिड के बारे में, प्लाज्मिड में कौन सा है CDR3-22 के बारे में, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम किसी दूसरे प्लाज्मिड के बारे में भी पढ़ेंगे। ये एक बेसिक जानकारी हमने दी है आपको इसके बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे इसके बारे में पढ़ेंगे।